हिसार जिले की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहां कोरोना पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को हिसार में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 हिसार के गांव बड़ाला और तीसरा व्यक्ति जींद निवासी है। बड़ाला गांव में मिले दोनों पॉजिटिव, यहां पहले पॉजिटिव मिले सिक्योरिटी गार्ड की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री वाले पेशेंट हैं, वहीं जींद के पेशेंट की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री अभी पता नहीं लगी है। जींद वाले पेशेंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता ज्यादा पड़ गई है, क्योंकि ये पेशेंट कुछ दिन से हिसार के 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहा था। कुछ दिन पहले वह हिसार के जिंदल अस्पताल में इलाज के लिए आया था, वहां उसका कोरोना सैंपल लिया गया। सैंपल का रिजल्ट आने से पूर्व ही वह वहां यहां से चला गया। इसके बाद वह व्यक्ति इलाज के लिए हिसार के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती हुआ। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव मिला। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। उसे तुरंत सर्वोदय अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया ने बताया कि गांव बटला में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ दिन पहले नोएडा से लौटा था। उसके सैंपल की रिपोर्ट 16 मई को पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके संपर्क में आए उसके परिवार के लोगों के भी सैंपल लिए थे, जिनमें से आज एक 38 वर्षीय महिला व 14 वर्षीय लड़की का सैंपल पॉजिटिव मिला है। प्रशासन ने पहले ही गांव बड़ाला को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है और आसपास के इलाके को बफर जोन बना दिया है। अब 2 और पॉजिटिव मामले मिलने के बाद प्रशासन और अधिक मुस्तैदी से इलाके के लोगों की सैंपलिंग करेगा। वहीं जींद से आए व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सर्वोदय अस्पताल के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पेशेंट को HDU में भर्ती किया गया था। अब स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए चिकित्सकों और स्टाफ को आइसोलेशन में रखकर उनके सैंपल भी लेगा। इन 3 नए मरीजों के आने के बाद हिसार में कुल कोरोना पेशेंट्स की गिनती 9 हो गई है और एक्टिव पेशेंट 6 हो गए हैं। जींद वाले पेशेंट की गिनती जींद में की जाएगी। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। आज हिसार में 3 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 हमारे हिसार के हैं और 1 जींद का है। 2 हिसार के जो ऑलरेडी हमारे बडाला वाला गार्ड था, जो उसकी वाइफ और उसकी बेटी है, और जो तीसरा केस है वो गांव पिग्गा का है, और वो बॉम्बे से उसकी हिस्ट्री है, वो 19 तारीख को आया हुआ था। उसके बाद वो जिंदल में एडमिट रहा 14 तारीख से, कोविड वार्ड के अंदर उसको रखा गया था, और वहाँ उसकी डायग्नोस हुआ कैंसर, अर्ली डायग्नोज कैंसर हुआ उसका। तो उसके बाद उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। फिर वो डिस्चार्ज होके सर्वोदय हॉस्पिटल में आ गया। थोड़ा सा ये एक मिसकम्युनिकेशन हो गया जिंदल और सर्वोदय के बीच में, क्योंकि जो कोविड का सैंपल लिया था उसका रिजल्ट आ जाया, और उन्होंने फिर उसको यदि सैंपल की इंफॉर्मेशन होती तो वो इलाज उसका फिर अलग आइसोलेशन में करते, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो उन्होंने HDU में रखा। उससे थोड़ा सा नुकसान सर्वोदय को हुआ है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल हैं, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनके सभी के सैंपल लेने पड़ेंगे। बाकी सब स्थिति नियंत्रण में, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है, हमारे सिविल सर्जन जी और सभी जो कंसर्निंग MO है, SMO है, डॉक्टर जय गोयल है, डॉक्टर सुभाष कटेजा है, वो सब पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.